कर रहे हैं, तीन दिन जो है आप लोगों को प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं मिला, आज फिर से यानी कहीं ना कहीं जो सरकार थी आपको प्रोटेस्ट करने का मौका दिया, आप लोग श्रम मंत्रालय गए थे, कहाँ आगे क्या क्या बातें हुई? देखिए कल हम आदरणीय हेमा मालिनी जी से मिले, मैं था, मेरे साथ हमारे साथी राजू भटनागर जी थे, हम लोग हेमा मालिनी जी से मिले, उनसे सुबह चर्चा हुई, उन्होंने हेमा मालिनी जी ने आदरणीय मंत्री महोदय से बात की, लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी से, और उनसे बात करने के बाद लेबर मिनिस्टर ने कहा, भूपेंद्र यादव जी ने कहा हेमा जी को कि मुझसे मिलवाने से अच्छा है आप ब्यूरोक्रेटिक लेवल की सेक्रेटरी लेवल की उच्च स्तरीय एक मीटिंग ले लो, और वही लोग है जो करने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली गणित उन्हीं को करना है, तो उस हिसाब से आदरणीय हेमा मालिनी जी ने कल शाम को 5 बजे हमें बुलाया जी, सेक्रेटरी लेबर सुश्री आरती आहूजा के ऑफिस में, तो वहां पर हम थे, हेमा मालिनी जी खुद स्वयं वहां पे थी, उसके साथ चीफ सेक्रेटरी लेबर आरती आहूजा जी थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेबर विभा भल्ला जी थी, उसके बाद एडिशनल सीपीएफसी चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो अनिकेत मिश्रा जी थे, और पेंशन की जो इंचार्ज हेडक्वार्टर पेंशन में है सीपीएफसी के ऑफिस में, वो आदरणीय अनुराधा अपराजिता जग्गी जी थे, तो वहाँ पर ये निश्चय बहुत सारी चर्चाएं हुई, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, चर्चाएं हुई पूरे विषय पे चर्चा हुई, और उन्होंने ये बोला कि हम सब लोग ये प्रश्न छुड़ाने में, इसका हल निकालने में एक पेज पे है, जितना आपको उसमें कष्ट हो रहा है उतना ही कष्ट हमें हो रहा है, और हम सब लोग मिलके इसका हल निकालेंगे, तो हल निकालने का तरीका उन्होंने ये सोचा कि NAC नेशनल एजुकेशन कमेटी जो हमारी कमेटी है, जो पूरा आंदोलन चला रही है, जो हमारे पूरे संगठन है, इस संगठन के लोग 4-5 प्रपोजल लेके आए, अपना खुद का कैलकुलेशन करके, हमारे पास एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो कैलकुलेशन करके हमारा जो प्रपोजल्स है वो यहाँ पे लेके आए, और फिर अगले हफ्ते में प्रपोजल्स के साथ हम CPFC के ऑफिस में CPFC के अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग होगी, हम अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, एक तरीके से ये निगोशिएशन की तरह से होगा, और जो फाइनल प्रपोजल्स शॉर्टलिस्ट हम करेंगे वो हम लेबर मिनिस्ट्री को देंगे। सर आपकी मांगे जो मिनिमम 7,500 रुपए पेंशन की है न्यूनतम, लेकिन अगर मिनिमम कितना अगर मतलब मीटिंग में जो निगोशिएशन होगा तो कितना पे मांग ले मान सकते हो? नहीं, हम तो 7,500 महंगाई भत्ता मांग ही रहे हैं, अब ये जब 7,500 महंगाई भत्ता करेंगे तो किस तरीके से करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर 7,500 बनाना है मिनिमम पेंशन को, तो 1,000 में आपको 6,500 जोड़ने पड़ेंगे, 1,000 तो मिनिमम पेंशन है, 1,000 में 6,500 आप जोड़ेंगे, उसके ऊपर DA जोड़ेंगे, और 2,000 जिसका है उसमें भी 6,500 आप जोड़ेंगे, DA जोड़ेंगे, मतलब जो पैरिटी है, जिसको 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, ये पैरिटी भी बनी रहेगी, और हम लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि जैसे 7,500 इसका हुआ तो 2,000 वाले का 8,500 होना चाहिए, 3,000 वाले का 9,500 होना चाहिए, एक तो ये तरीका है, अब उसमें ये देखना है कि EPFO के रिसोर्सेस कितने हैं, उनके पेंशन फंड में पैसा कितना है, उनको ब्याज कितना मिलता है, और उनके ब्याज में से पेंशन बांटते कितना है, हमने देखा है लास्ट ईयर में उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए बांटे हैं पेंशन के नाम पे, जबकि ब्याज आया है उनको 51,000 करोड़ रुपया, और जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 27,000 करोड़ रुपया, जो रेसिडुअल फंड है जो उनके कॉर्पस फंड है पेंशन में वो तकरीबन 8.5 से 9 लाख करोड़ है, तो ये सारा देख के और ऐसा ये इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसको आने वाले पीढ़ियों के लिए फंड ड्राई ना हो जाए, ये भी देखना पड़ेगा, जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं उनको भी फंड ड्राई ना मिले, उनको भी उनकी पेंशन मिलती रहे, इस हिसाब से विचार करके हम 7,500 और महंगाई भत्ते की बात कर रहे हैं। कमांडर साहब कहीं बीच के रास्ते पे तो नहीं जा रहे हो आप, कहीं बीच के रास्ते? नहीं, अभी तो मुझे रास्ता मालूम नहीं, अभी तो हमारी डिमांड 7,500 महंगाई भत्ता है, लेकिन उन्होंने ये किया कि भाई आप लोग हम लोग सब
विषय को सॉल्व करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो आप ही खुद इसको इसमें बैठो समिति में। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात। आप समिति में बैठो, डिसीजन मेकिंग में आप आ जाओ, और आप लोग और जो डिसीजन मेकर्स है तो साथ में मिलके इसमें एक हल निकालो। तो हम बोलेंगे 7,500 हो सकता है, 7,500 का कैलकुलेशन जो भी उनका है वो देखेंगे, और फिर जरूरत पड़ी तो हम उसमें प्रपोजल देंगे कि भाई इतना कम पड़ता है सरकार दे, ये वो नहीं कह सकते। जब यूपीएफओ फाइनेंस मिनिस्ट्री में सब्सिडी दी जाती है उस तरह सरकार उसको कुछ हेल्प कर रही है। तो अभी जैसे जब लेबर मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजा था कि आप इतना पैसा दो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया कि तुम्हारा सेल्फ रेगुलेटेड फंड है, ट्रस्ट है, तो आप अपने पैसों से दो, हमें क्यों मांग रहे हैं। अच्छा, एक लेकिन हम है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, हम इस फंड से भी ले सकते हैं, हम गुहार लगा अगर सकते हैं। सरकार ऐसा कहे कि भाई आपको जो अभी रोक दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन भी सरकारों की होती है, अलग अलग योजना है, तो कई सरकार ऐसा कहे कि भाई उस योजना के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओ, थोड़ा सा पैसा उसी योजना के जरिए आपको दे दे और थोड़ा ऐसा दे दे, कुछ ऐसा रास्ता निकाले तो मानेंगे आप? नहीं देखो, हमें तो 3,000 के लगभग हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन है, हमें 2,500 है। तो आपका सुझाव बिल्कुल सही है, अच्छा है, अगर राज्य सरकार ये मानती है या उसका कुछ केंद्र राज्य में होता है तो अच्छी बात है। हम तो क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 7,500 महंगाई भत्ता। कैसे भी मिले? जैसे पैसा पैसा है वो आपके जो मतलब मंत्रालय के श्रम मंत्री के जो मंत्रालय से आए या फाइनेंस मिनिस्ट्री से आए, हम चाहते हैं हमारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए, दो लोगों के लिए सफिशियंट हमको। कमांडर साहब, बहुत बड़ी खबर है ये, लेकिन अगर अगर आपका लीडरशिप चूक गई इस बार, क्योंकि मौका दिया है सरकार ने आपको साथ बिठाकर, तो इसका क्या लग रहा है आपको कि सरकार का कुछ मंसूबा है, या क्योंकि लीडरशिप को बुला रही है सरकार तो कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में होगा। देखिए मनोज जी, ऐसा है, लीडरशिप क्यों चुकेगी? लीडरशिप तब चुकती है जब उसके मन में खोट और स्वार्थ होता है, या हमें क्या लेना है, मुझे भरपूर पेंशन है, डोंट वरी, तो मुझे कुछ उनसे लेना नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी जो समिति के 2-4 लोग होंगे वो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर हम कैलकुलेशन में उनका साथ देंगे, हिस्सा देंगे, एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, और फाइनली हम एक नहीं 2-3-4 प्रपोजल देंगे कि भैया इतना नहीं हो सकता तो इतना करो, इतना नहीं जो भी होता है, तो वो क्या वहाँ पे होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वी आर कमिंग प्रिपेयर। तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? श्रम मंत्रालय को भेजा जाएगा वो प्रपोजल, और जब आप दे दोगे तो वो फाइनल करेंगे, श्रम मंत्रालय को भेजेंगे, फिर उसमें तो ये तो लंबा प्रोसेस हो गया। लंबा प्रोसेस नहीं है इसका, ये फंड से क्या करना है। अच्छा, ये अधिकार श्रम मंत्री को है। अच्छा, श्रम मंत्री को अधिकार, केवल श्रम मंत्री है इस नाते नहीं है, वो सीबीटी के चेयरमैन है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, जो ये पूरा फंड संभालती है, उसमें 43 मेंबर्स होते हैं, उसके चेयरमैन श्रम मंत्री होते हैं, और जिसका सेक्रेटरी सीपीएफसी होता है। तो ये जब सीपीएफसी के ऑफिस में कैलकुलेशन होके लेबर सेक्रेटरी के पास जाएगा, वहां से क्लियर होगा, तो श्रम मंत्री डिसीजन ले सकते हैं। अगर उसमें दिक्कत है तो फिर प्राइम मिनिस्टर जी को इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। क्या लगता है, शुरुआत हो गई है अब आपके पेंशन मिलने की? क्योंकि अब तक वादा किया जा रहा था, एक आपको वो दिया जा रहा था, कहते हैं कि आगे के भरोसा दिया जा रहा था, लेकिन अब आपको बुलाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि शुरुआत हो गई है आपकी जो प्रक्रिया की पेंशन मिलने? बिल्कुल शुरुआत हो गई है, हमारे पास 1 महीना है, हम फिर 4 दिन में वापिस आ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ घर में जाके वापिस आ रहे हैं। धरना स्थगित यहाँ का, यहाँ पर आपने देखा हमारे लोगों को दूर से आने में कितनी दिक्कतें हैं, फिर भी 11 दिन हमने चलाया, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की कितनी जबरदस्ती है। मैं नहीं चाहता हमारे बूढ़े लोग, वृद्ध लोग यहाँ पे सफर करें, तो मैंने ये निश्चय किया है, डिसीजन लिया है, लोगों से पूछ के लिया है, और ये डिसीजन लिया है कि अभी हम ये आंदोलन फिलहाल दिल्ली का स्थगित करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हम रहते हैं तो जिलों में आंदोलन जारी रहे। सर, एक मेरा सवाल है जी, सर ये वाहट शुरू हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ वाहट 8 सालों से चल रही है, इस बार भी ऐसे ही तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे ये सवाल थोड़ा हाइपोथेटिकल है, इस बार ऐसा होगा वैसा, जो जो कोशिश है, जो हमको
देखिए, एक सेक्रेटरी सबसे उच्च स्तरीय लेवल होती है ब्यूरोक्रेसी की। सेक्रेटरी लेवल पे आपको बुला के, और हेमा मालिनी जी जैसी जो विश्व में प्रसिद्ध है, भरोसेमंद है, हमारी मेंटर है, उनके सामने मीटिंग में अगर ये बोला गया कि भैया तुम डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लो, तुम लोग आओ और हमारे साथ बैठो और तुम खुद कैलकुलेशन देखो और यहाँ कितना हो सकता है तुम खुद देखो, तो ये जब हुआ है तो दिस इज अ गुड थिंग, नो डोंट यू थिंक? सरकार की मंशा मतलब ठीक है, आपका कहने का मतलब है? ऑब्वियसली ठीक है। उन्होंने बोला हम सब लोग चाहते हैं कि हो जाए, कौन नहीं चाहेगा होना, अच्छा काम कौन नहीं करना चाहता है? मुझे बताइए आप मीडिया के भाई, इतना आपका समय यहाँ पे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप एक अच्छा काम का हिस्सा बन रहे हैं, इतने लोगों का जीविका का सवाल है, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। आपको आपका काम तो मिलेगा, लेकिन काम के साथ एक पुण्य भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।